Well, hey guys, welcome back again on my YouTube channel. In today's video, I will discuss Eunice T. Souza's poem Advice to Women. तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडवाइस टू वुमेन जो पोएम है जिसको यूनाइस टी सूजा ने लिखा है उसी पोएम के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एंड द क्वेश्चन इज़ दैट इफ़ यू लेट डी सूजाज एडवाइस टू वुमेन एज अ परफेक्ट फेमिनिस्ट पोएम. तो ये क्वेश्चन है कि किस तरह से जो उनकी पोएम है एडवाइस टू वुमेन उसको हम लोग एज अ परफेक्ट फेमिनिस्ट पोएम कंसिडर कर सकते हैं. तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और जो भी इसका लाइक समरी होगा वो इसी क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत आ जाए. सो लेट्स बिगिन. तो ये जो पोयम है यूनाइस टी सूजा का एडवाइस टू वुमेन, इसमें जो राइटर है यूनाइस टी सूजा, ये एक फेमस इंडियन इंग्लिश वुमेन पोएट है. प्लस इसके साथ साथ ही ये एक रिवेलियस पोएट भी है, प्लस फेमिनाइन सेंसिबिलिटी वाली भी पोएट है, जिन्होंने अपनी जो वॉइस है, जो अपनी आवाज़ है, उसको वुमेन के लिए उठाया है, वुमेन के हित के लिए उठाया है, उनके जो है वो सपोर्ट में उठाया है उस समय की कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में या उस समय के कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में. जो 19th और 20th सेंचुरी था उसमें ऐसे बहुत सारे वुमेन पोएट हुए जिन्होंने अपनी वॉइस को वुमेन के लिए उठाया ताकि वो अपना जो वुमेन का जो एक्चुअल कंडीशन है वो सोसाइटी में वो उसको इस्टेब्लिश कर सके और जो भी वुमेन का पोजीशन है सोसाइटी में वो उसे दिखा सके. लेकिन सभी वुमेन में जो सबसे मोस्ट वन ऑफ देम आती हैं वो है यूनाइस टी सूजा. तो ये जो यूनाइस टी सूजा है ये एक वेल नोन फेमिनिस्ट पोएट है. एंड यू नो द मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पोएट हु सपोर्ट फीमेल एंड हु वांट टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन द सोसाइटी. सो उसी को कहा जाता है फेमिनिस्ट पोएट. तो अगर हम लोग फेमिनिस्ट पोएट की बात करें तो उसमें यूनाइस टी सूजा का नाम आता है सबसे पहले. तो इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से वुमेन को उस समय की सोसाइटी में ट्रीट किया जाता था और किस तरह से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो वुमेन को ट्रीट करती थी. और आप लोग को पता ही है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स दैट काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच जो मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं ओवर द वुमेन और ओवर द फीमेल. सो इस तरह की सोसाइटी में जो भी वुमेन का कंडीशन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक, सफ़र जो वो करती थी महिलाएँ, उस तरह का उनका कंडीशन था. तो जो चीफ कंसर्न है और मेन कंसर्न है उनके इस पोएम का, तो वो क्या है, वो फीमेल है और उनके लाइफ, इन्हीं दो चीज़ों को उन्होंने अपने इस पोएम एडवाइस टू वुमेन में दिखाया है. उनका जो ये पोएम है अपने इस पोएम में वो हमें ये बताना चाहती हैं और वुमेन को जो भी उनका दर्द है, जो भी पेन है, उससे वो उन्हें अवेयर कराना चाहती है वुमेन को. और जो भी पेन या फिर सफरिंग वो दूसरों से रिसीव करती हैं वुमेन, उनसे भी उनको जो है अवेयर कराना चाहती है थ्रू द पोएम एडवाइस टू वुमेन. उन्होंने इसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा जो मीडियम होता है उन्होंने अपने इस पोएम को चुना ताकि वो वुमेन का जो कंडीशन है सफरिंग वाला वह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सके और जो उनका एक्चुअल कंडीशन है, जो उनका एक्चुअल पोजीशन है वुमेन का, वो भी सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सके. तो बताती है सबसे पहले कि उस समय की जो सोसाइटी थी, यानी कि 19th और 20th सेंचुरी की सोसाइटी थी, उस समय जो वुमेन का कंडीशन था वो कैसा था और किस जो उसको बताती हैं और फिर वो क्या करती हैं उसके अगेंस्ट में जो है वो अपने इस पोएम को लिखी हैं. तो चलिए थर्ड जो पैराग्राफ है एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जो वुमेन है वो हमेशा सोसाइटी में जो है वो सेकेंडरी पोजिशन उनका रहा है. सबसे पहले मैन आते हैं, उसके बाद जो है वुमेन का पोजीशन आता है. इसके साथ साथ ही जो वुमेन है वो इस पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का उनको जो है वो सिर्फ आधा हिस्सा ही कंसिडर किया जाता है, और जबकि ज़्यादा जो मेजर हम लोग सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ मैन को करते हैं या फिर जो है वो बॉयज़ रहते हैं उनको करते हैं, गर्ल्स को बहुत ही कम सपोर्ट किया जाता है. तो उस समय की जो सोसाइटी थी उस समय हम लोग जेंडरल डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया में फैला हुआ था और वुमेन उस समय जो है इसी जेंडरल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती थी. बहुत सारे वे हैं इसको सफ़र करने के. सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें ये एडवाइस टू वुमेन पोएट्री की, तो जो यूनाइस टी सूजा हैं उन्होंने इसी चीज़ को, जो वुमेन सफ़र करती थी, जो भी वुमेन की अनसर्टेनिटी थी, उसी चीज़ को उन्होंने अपने इस पोएम में दिखाया है कि किस तरह से चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल पोजिशन है वुमेन का, वो उस समय की सोसाइटी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. सो वो सिर्फ एक किसी एक पर्टिकुलर वुमेन को कंसिडर करके ये अपना जो भी उनका थाट्स है या व्यू है वो नहीं बताना चाहती हैं, बल्कि वो जो है वो पूरे वुमेन रेस, जो पूरे वुमेन जाति जो है उनको जो है वो इंडिकेट करके ये पोएम को लिखती हैं और किस बताती हैं कि जो भी वुमेन जो ट्रबल में है, अनफिक्स्ड है और कन्फ्यूज्ड है, उनका जो पोजीशन सही नहीं है, वो उसके खिलाफ जो है वो इस पोएम के थ्रू आवाज़ को उठाती हैं.
तो उनके इस पोयम में हम लोग को ये पता चलता है कि उन्होंने मेन जो कंसर्न है उन्होंने वुमेन को लेकर ही इस पोयम को लिखा है, जिसमें वो बताती हैं कि जो वुमेन है वो एक डॉटर का रोल प्लस एक वाइफ का रोल एक मदर का रोल अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करती है और इनफैक्ट दे फाइंड प्लीजर इन दिस रोल, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। जो पोएटिस हैं जो भी जो यूनाइट सीजा हैं वो ये एडमिट करती हैं कि जो वुमेन हैं वो हमेशा एक मैन के लाइफ में भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं। विदाउट अ वुमेन द लाइफ ऑफ अ मैन इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। सो इसी रीज़न की वजह से जो मैन है जो भी मतलब जो भी मैन है वो क्या करते हैं अपने विलावेड यानी कि जो भी उनकी वाइफ है उनके पास वो रिटर्न आ जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ ज़रूरत की ही वजह से क्या होते हैं वो उनके पास वापस चले आते हैं। तो ये जो लाइन है जो यूनाइटेड सीजन अपने पोएम में ऐड किया है, ऑल्दो ये जो पोएम है वो बहुत ही शॉर्ट है बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही वास्ट मीनिंग है और इसमें बहुत सारे सिम्बल्स इमेजरी इन सब का यूज़ किया गया है। तो ये जो लाइन है ये हमारे सामने जो है इमेजरी को प्रेजेंट करता है जैसे कि अन का और जो है वो कैलोस, कैलोस मीन्स होता है हार्ड हार्टेड, जो भी जिनका जो हार्ट जो है बहुत ही हार्ड होता है उसको उसकी एटीट्यूड को जो है इस लाइन के जरिए जो है हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और इस तरह का जो एटीट्यूड है इंडिफरेंस एंड कैलोस का ये जो है वो कैट अपने लाइफ के टूवर्ड्स इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें बार बार ये एडवाइस देती हैं कि हमें अपना जो एटीट्यूड है वो जस्ट लाइक कैट की तरह रखना चाहिए और वुमेन को ये एटीट्यूड को ज़रूर से ज़रूर जो है वो अपने लाइफ में एब्जॉर्व करना चाहिए या उसे सीखना चाहिए। वो हमारे सामने जो है वो ये प्रेजेंट करती है, वो ट्राई करती है कि जो वुमेन है वो जितने सारे भी जो दुख तकलीफ है वो उससे जान सके, अवेयर हो सके और उन दुख तकलीफ के पीछे का कारण क्या है उसे भी वो जान सके। उन्होंने इस पर भी काफ़ी जोर दिया है। सो जैसा कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पोएट, जैसा कि ये फेमिनिस्ट पोएट ही है क्योंकि इन्होंने फीमेल को बेस करके लिखा है, तो एक फेमिनिस्ट पोएट से हम लोग यही उम्मीद करते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो फीमेल के जो डिफ्राइव्ड कंडीशन है उसको जो है वो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सके। जो वुमेन किस तरह से उनके राइट्स को छीन लिया जाता है, उन्हें सप्रेस्ड किया जाता है, प्लस उनके बोलने का अधिकार नहीं होता है, वो अपने मन के अनुसार कुछ भी जो है अपनी लाइफ में नहीं कर सकती है, तो ये सर जितने सारे ये रोक टोक है, अगर कोई उनके सोसाइटी में इस तरह का रोक टोक लगाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ऐसा ही फेमिनिस्ट पोएट होना चाहिए। और यही एक फेमिनिस्ट पोएट का एलिमेंट्री ड्यूटी होता है कि वो उनके फीमेल के इक्वल राइट्स के बारे में बात करे और जो भी उनके साथ इनजस्टिस हुई है वुमेन के तरफ से, मतलब वुमेन के साथ जो भी इनजस्टिस हुई है उसके खिलाफ वो जो है वो आवाज़ उठाए और प्रोटेस्ट करे। लेकिन जो यूनाइट सीजा है उन्होंने अपने इस पोएम में वुमेन को प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं कहा है, जो भी वुमेन के साथ इनजस्टिस हुई हैं वो उनके खिलाफ उन्हें प्रोटेस्ट करने को नहीं कहती हैं, बल्कि उन्हें क्या कहती हैं कि वो अपनी जो बिहेवियर है वो एक कैट की तरह रखें ताकि जब भी जो भी उनका बिलव्ड है उनके जो टूवर्ड्स अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है तो ऐसा नहीं कि वो उनके खिलाफ चले जाए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम को समझने चाहिए क्योंकि उन्हें पता ही है कि कभी ना कभी वो घूम फिर के उन्हें आना ही है, जरूरत उनका पड़ना ही है। तो इस तरह से वो फीमेल को एक एडवाइस देती है कि जो उनका अपना बिहेवियर है वो बिल्कुल एक कैट की तरह रखे, प्लस उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए और बिल्कुल कामनेस होना चाहिए, तभी वो इस सिचुएशन को जो है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो ये उनको एडवाइस देती हैं। इसके अलावे जो यूनाइट सीजा हैं वो कभी कभी हमारे सामने जो है वो जेंडर बेसनेस जो होता है उसको भी प्रेजेंट करती हैं और जेंडर डिफरेंस को भी हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं और वो दिखाती हैं वुमेन को जो है वो एलिगनेशन जो है वो दिखाना चाहिए, मतलब एक सेपरेट रखने चाहिए खुद को। सी ऑल्सो गोज अगेंस्ट द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ मैरिज ऑफ अर टाइम। वो अपने टाइम की जो भी उनकी कन्वेंशनल प्रैक्टिस रही है मैरिज की, जैसे कि पहले किस तरह से जो बाल विवाह होता था, इनकी चाइल्ड मैरिज होता था, तो वो उसके खिलाफ भी गई हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनाइट सीजा हैं उन्होंने वुमेन के कंडीशन को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रयास किया था और इसके साथ ही उनकी पोएट्री में हम लोगों को जो है वो आइडेंटिटी की खोज के लिए प्लस वुमेन का जो भी स्टेटस और पोजीशन सोसाइटी में उसको वो दिखाने की प्रयास करती हैं और वो इवन रीडर्स को ये भी इनकरेज करती हैं कि जो भी फीमेल हैं वो उन अपने ग्राउंड में उन्हें हमेशा डिटरमाइन रहना चाहिए, अपने लक्ष्य में हमेशा जो है वो डिटरमाइन बन करके रहना चाहिए और जो भी उनके अंदर जो फियर्स है, जो भी उनके अंदर जो हेजिटेशन है उसको दूर करना चाहिए और अपने हक के लिए जो है वो लड़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह से जो पोएटिस हैं वो अपने लाइफ के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू वो हमारे सामने एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन का जो भी सिंबल है वो हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं।
सो एट द कंक्लूजन ऑफ द पोएम या फिर टू सम ऑफ वी कैन से दैट ये जो पोएम है वो हमारे सामने एक आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है और डिफाइन करता है, जिससे द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को अपना पर्सनल और जो सोशल इक्वालिटी है वो एक जैसा रखनी चाहिए। थ्रू द पोएम एडवाइस टू वुमेन हम लोगों को यही समझ में आता है। एंड इस तरह से अगर हम लोग जितने सारे जो इसका इंटरप्रिटेस किए, जो पोएम का व्याख्या किए, सो वी कैन कंक्लूड दैट द पोएम एडवाइस टू वुमेन इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट पोएम। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मैंने इस पोएम से एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और वो जो पोएम था वो उसमें था कि किस तरह से हम लोग जो है वो कैट क्या सिग्निफाई करती हैं, या फिर इस पोएम में एडवाइस टू वुमेन में क्या क्या सिम्बल्स जो है वो यूज़ किया गया है। तो यही क्वेश्चन है, इसका वीडियो जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।